हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बॉटनी गर्ल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 11 लाइट्स शैडो एंड रिफ्लेक्शंस एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज अरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प टू अंडरस्टैंड द ओपेक ऑब्जेक्ट। देखिए, आपको ये जो बॉक्सेस में जो वर्ड्स दे रखे हैं या अल्फाबेट्स दे रखे हैं, आपको इसको इस तरीके से अरेंज करना है ताकि एक सेंटेंस बनाए जो आपको हेल्प करे अंडरस्टैंड करने में ओपेक ऑब्जेक्ट्स में। तो अरेंज करके हमने कुछ ये बनाया है कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शैडोज, जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं वो शैडो बनाते हैं, ये हमने बनाया। तो OPAQUE ओपेक ऑब्जेक्ट मेक शैडोज, तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शैडोज। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मटीरियल गिवन बिलो एज अ ओपेक ट्रांसपेरेंट और अ ट्रांसलूसेंट और अ ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। देखिए, आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, आपको इन ऑब्जेक्ट्स या मटीरियल को क्लासिफाई करना है ओपेक ऑब्जेक्ट में। ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? जो लाइट को बिल्कुल नहीं पास होने देते हैं अपने थ्रू। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में, यानी कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो लाइट को बिल्कुल पास होने देते हैं, कम्प्लीटली पास होने देते हैं अपने थ्रू। एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स जो पार्शली लाइट को अपने थ्रू पास होने देते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? वो ऑब्जेक्ट्स जो एमिट करते हैं अपनी खुद की लाइट। एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है। ओपेक ऑब्जेक्ट के देख लेते हैं, अ पीस ऑफ रॉक ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, शीट ऑफ एल्यूमिनियम ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, मिरर, वुडन बोर्ड, सीडी, अम्ब्रेला, वॉल, शीट ऑफ कार्बन पेपर, शीट ऑफ कार्डबोर्ड, ये क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट के एग्जांपल है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के है एयर, वाटर, शीट ऑफ प्लेन ग्लास। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के क्या है? एक शीट ऑफ पॉलीथीन, स्मोक, फॉग, शीट ऑफ सेलोफेन और वायर मैश। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? कि रेड पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, लाइटेड फ्लोरोसेंट ट्यूब या द फ्लेम ऑफ गैस बर्नर, लाइटेड टॉर्च, सन, फायरफ्लाई, कैरोसिन स्टोव। नॉन ल्यूमिनस क्या है? एयर, वाटर, पीस ऑफ रॉक, शीट ऑफ एल्यूमिनियम, मिरर, वुडन बोर्ड, अ शीट ऑफ पॉलीथीन, सीडी, स्मोक, शीट, प्लेन ग्लास, फॉग, अम्ब्रेला, वॉल, शीट ऑफ कार्बन पेपर, अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड, अ शीट ऑफ सेलोफेन, वायर मैश, मून। मून जो है वो भी एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग एन ऑफ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शैडो इफ हेल्ड इन अ वे एंड अ रेक्टेंगुलर शैडो इफ हेल्ड इन अनदर वे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कोई भी आपको एक शेप बनानी है जिसमें से एक ऑब्जेक्ट बताना है जिसकी जो शैडो हो वो सर्कुलर भी आए अगर आप उसे एक सर्टन वे में पकड़े, और उसकी शैडो रेक्टेंगुलर भी आए अगर आप उसे अदर वे में पकड़े या अनदर वे में पकड़े। तो यस, बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सर्कुलर शैडो भी देंगे अगर हम उसे एक वे में पकड़ेंगे और रेक्टेंगुलर शैडो देंगे अगर हम उसे दूसरे तरीके से पकड़ेंगे, जैसे कि सिलेंडर है, सर्कुलर डिस्क है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो हम डायग्राम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, एक सिलेंडर है, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है। जब लाइट जो है वो सिलेंडर के ऊपर पड़ी तो कुछ लाइट जो होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर क्या बनेगी? शैडो बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सिलेंडर को इस तरीके से रखा हुआ है कि यहाँ पर सिलेंडर की शैडो कैसी बन रही है? सर्कुलर बन रही है। वेयर एज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिलेंडर कैसा है, यहाँ पर सिलेंडर को हमने कुछ इस पोजीशन में रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो शैडो है वो कुछ इस तरीके, जो लाइट है वो पड़ रही है इस पर और जो कुछ लाइट है वो यहाँ पर नहीं पड़ पा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर कैसी दिख रही है अब शैडो? यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप में शैडो दिख रही है। तो बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो सर्कुलर शैडो भी दिखाते हैं अगर हम उसे किसी अदर तरीके से पकड़े, और रेक्टेंगुलर शैडो भी दिखाते हैं अगर हम किसी अदर तरीके से उसे पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम इफ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन अ मिरर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आप एक कम्प्लीटली डार्क रूम में हैं और आप मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं, तो क्या आप अपना रिफ्लेक्शन देख पाएंगे मिरर में? तो आंसर क्या होगा? नो, हम अपना मिरर में अपना रिफ्लेक्शन नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो रूम है, नो इट इज़
नो इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम नो इमेज कैन बी फॉर्म बिकॉज देर इज नो लाइट इन अ रूम सो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस सो इन द रूम सो नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एंड नो इमेज कैन बी फॉर्म. देखिए हम एक कम्प्लीटली डार्क रूम में अपनी इमेज जो है उस वो फॉर्म नहीं हो सकती, हमारी इमेज फॉर्म नहीं हो सकती या कोई भी इमेज फॉर्म नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर क्योंकि जो इमेज फॉर्म होने की कंडीशन क्या है कि जो सोर्स ऑफ लाइट होनी वो बहुत ज़रूरी है और अगर सोर्स ऑफ लाइट ही नहीं होगी तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं टेक प्लेस कर पाएगी और जो भी कोई भी इमेज है वो फॉर्म नहीं हो पाएगी. तो एक डार्क मिरर रूम में जो शैडो है या फिर एक डार्क रूम में इमेज फॉर्म नहीं हो सकती. तो आज के लिए इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे. थैंक यू सो मच.